टाइम हो रहा है सुबह के 8:30। हाँ, वैसे तो ओशिया वगैरह आया, बाद में भी हो सकता है। गाइस वेलकम टू द व्लॉग। 12:30 बज रहे हैं, थोड़ी देर में बच्चा आ जाएगा, डैड जा रहे हैं उसको लेने के लिए। मी एंड द मिसेस हम जाएंगे शर्मा सामान लेने के लिए। कल यार एक कांड हो गया, दिखाऊं क्या कांड हुआ? देखो चलो, ये नियो का शीशा देख रहा, कल दशरथ भैया गाड़ी साफ कर रहे थे, बारिश चालू हो गई तो वो और उनका बच्चा गाड़ी में जाके बैठ गया। अब दशरथ भैया जब गाड़ी से उतरे तब बच्चा गाड़ी में ही था और गाड़ी में छेड़छाड़ कर रहा था। बंद थी गाड़ी लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ छेड़छाड़ कर रहा था। और जो कार के अंदर का जो रेयर व्यू मिरर होता है, आई डोंट नो हाउ, लेकिन वो बच्चे से निकल गया। अब जब शाम को मैंने गाड़ी उठाई तो देखा कि जो मिरर है निकला हुआ, तो मैंने कोशिश किया उसको लगाने का वापस, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर लगा दिया और उसकी वजह से आगे वाली जो विंडशील्ड है उसमें क्रैक आ गया। मदन भैया से पता किया, पता है क्या भाव बोल रहा, कुछ नहीं तो 7,000-7,500 रुपये का चूना ही है। मेरी गाड़ी होती ना, हमें 6 महीने तक नहीं लगाता, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, डैड की कार है तो बैठे बैठाए खर्चा आ गया। मतलब गरीबी, ऊपर से आटा गीला नहीं है, आटा ही ख़त्म हो गया, ऐसी नौबत आ गई है, क्या बोले। वैसे छोटी चीज़ के लिए अब इंश्योरेंस में भी गाड़ी नहीं रख सकता, क्योंकि अगर इंश्योरेंस में गाड़ी रखूँगा तो फिर कुछ नहीं तो 7-10 दिन घुस जाएंगे सिर्फ एक शीशा बदलने में। हाँ, मुद्दा यही है, मुद्दा यही है शीशा अवेलेबल है कि नहीं, क्योंकि क्या है अपना जो गाड़ी है ना वो फील्ड रनिंग में यूज होता है, तो फिर बाद में मैं गाड़ी छोड़ दूं उसके बाद में अगर बदले ना कि भैया शीशा अवेलेबल नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी। टाइम हो रहा है दोपहर के 3:30। अपने निकल रहे हैं मार्केट के लिए, एक अर्जेंट काम है, एक ही काम है लेकिन थोड़ा सा अर्जेंट है। अभी नवनीत गैस का काम तो निपट गया, चलो अब चलें डैड की मेडिसिन लेने के लिए। ये देखो जानदार सवारी। मामा है क्या है? मासड़ है मेरा, मौसा है, मौसा। ओपी ओपी ओपी, बड़ी बड़ी शीखियां मार के आया था मैं, वहां लिया कुछ नहीं मैंने। ऐसा है, वो उनका काम है। तो भी मार्केट का काम ऑलमोस्ट निपटा चुके हैं। बच्चे के लिए एक व्हाइट टी शर्ट लेने का ऑर्डर आया है। 14 अगस्त को बच्चे के स्कूल में ऑब्वियसली इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाया जा रहा है, एंड स्कूल की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आए हैं, गरिमा शुड बी ड्रेस्ड इन वाइट टी शर्ट ब्लू जीन्स, उसके अलावा ट्राई कलर रिबन। आई लाइक ओके, बढ़िया है। सबसे पहले तो हम लोग गैस एजेंसी गए, एड्रेस चेंज किया क्योंकि एड्रेस चेंज हो गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट डैड की मेडिसिन ले ली, मिसेस की मेडिसिन ले ली, ये काम निपटा। बस मार्केट से बाहर निकल ही गए थे कि स्कूल की तरफ से कंफर्मेशन आ गया है, अब देखें जॉकी में बच्चे के लिए टी शर्ट मिलता है कि नहीं। आई एम तो स्पेशल, तुम मंडे से लेके संडे हो, कोई भी मार्केट हो।
टाइम अरे शाम के 6 और जीनस के आउटलेट पे गए थे खर्चा करके आ गए। लड़की बाहर आ रही है ऐसा टीवी है, ऐसा टीवी लिया है, तमन्ना भाटिया बाहर आ रही है उसमें से भाई साहब। जो गोडाउन होते हैं ना वहाँ पे, हाँ वहाँ पे क्या होता है वो नहीं होता, स्क्रैचेस लग जाते हैं हैंडलिंग में, हाँ तो रिजेक्टेड पीस में आ जाते हैं वो वाले माल रहता है, हाँ तो उसको वो लोग फिर थ्रो अवे प्राइस पे बेचते हैं। उसमें भी कमाल है, 45 साल निकाल दिए इस गाँव में, मुझे कभी लकी ड्रॉ नहीं लगा। अभी तो रिपोर्टें बनानी है भैया, फ्रेम। तो भाई अपने कमरे के लिए टीवी ले आए, अब ये समझ नहीं आ रहा घर वालों को कैसे बताएंगे टीवी लेके। नॉडी को बांध के रखना पड़ता है, स्वीटी को बांध के रखना पड़ता है। प्रॉब्लम बताएगा, एक तो अपना बच्चा, ओके शैतान, उसके अलावा उसके जितने भी फ्रेंड्स घर में आते हैं बे टाइम जाते हैं, वो एक अलग दिक्कत है। उसके अलावा हमारी जितनी मेड्स आती हैं वो सब अपने बच्चे लेके आती हैं, तो हमारे घर में इतने सारे बच्चों का आना जाना फिक्स है कि जो डॉग्स हैं उनको बांध के रखना पड़ता है। रात को खोलता हूँ या तो फिर सुबह खोलता हूँ, बाकी दिन भर बेचारे बंद रहते हैं, तो बच्चे आते जाते रहते हैं। और मेरे जो डॉग्स हैं ना वो क्या बताऊँ, ओवर एग्रेसिव। अपने जा रहे हैं कर्नल साहब के घर, वीकली ट्रीट है उनके यहाँ, आसपास के 2-3 फैमिलीज हैं उनको बुलाया उन्होंने, मुंद्रा जाना था वो प्लान चेंज हुआ है, इसके लिए अपने जा रहे हैं कर्नल साहब के यहाँ। अगर तुम मुंद्रा जाना होता तो मैंने प्लान ऑलमोस्ट ड्रॉप कर दिया था, बट यस थैंकफुली प्लान चेंज हुआ। बैठा रहे